नमस्कार दोस्तों, हम रामकला से दोस्तों हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमारे पास जैसे भिंड की भैंस थी, उससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन था, फिर उसको हमने दवा भी कराया, फिर वो हीट में आई, तो अब हम किस तरह से पता कर पाएं कि उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या ठीक हो गया है। क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है मामला, कि हर पशुओं में इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, कि बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया है और बार बार हीट में आ रही है, गर्भवती नहीं हो रही, ये बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन सब दवा भी करा देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता हो पाता कि अभी इन्फेक्शन है या खत्म हो गया है। तो कुछ हम आप लोग पहचान बता दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से पहचान कर पाएंगे कि इन्फेक्शन ठीक हो गया है या नहीं ठीक हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि हम इससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक्स पर कि किस तरह से हम पता करें। जैसे आपकी भैंस थी, भिंडी की भैंस, उसे जो है इन्फेक्शन था, फिर दवा कराया, दवा कराने के बाद वो हीट में आई, हीट में आने के बाद सीमन भी करा दिया गया, तो अब हम कैसे पता करें कि उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या ठीक हो गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि सीमन कराने के बाद 2 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन बाद वो जब भी डिस्चार्ज करे तो इतना जरूर ध्यान रखना, अगर उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो जो भी डिस्चार्ज आएगा उसके वहाँ से जहाँ से डिस्चार्ज करती है, तो डिस्चार्ज कई तरह से होंगे जो इन्फेक्शन हैं, जैसे माठा, जैसे मट्ठा होता है, छांस जिसे कहते हैं, उस तरह से डिस्चार्ज देना, दूध के जैसे डिस्चार्ज देना, या दही जैसे फटाफटा से निकले, वो भी इन्फेक्शन माना जाता है। हम कब समझेंगे कि इन्फेक्शन ठीक हो गया है? इन्फेक्शन ठीक होने के लिए आपको देखना होगा जो भी डिस्चार्ज होगा वो मोटा होगा, फटाफटा से नहीं रहेगा, और मोटा से रहेगा और फटा नहीं रहेगा, दूध जैसा, दही जैसा, घी जो मट्ठा जैसा, इस तरह से नहीं होगा। अगर सही हो गया है तो इन्फेक्शन नहीं है, तो मोटा डिस्चार्ज रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा, हल्का पीला हो सकता है, इस तरह से जो डिस्चार्ज आए तब आप समझ लेना कि आपकी जो भैंस है उसके बच्चेदानी का इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।